नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से एक भावुक कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 2 साल की मासूम बच्ची ने अनजान शहर में अनजान लोगों के बीच होकर भी अपनी बेहोश मां की जान बचाई। दरअसल मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बने फुट ओवर ब्रिज पर एक महिला बेहोश हो गई थी। महिला की गोद में चिपका एक 6 महीने का मासूम भूख से बिलख रहा था। ये सारा नजारा महिला के पास ही बैठी 2 साल की बच्ची देख रही थी। उस छोटी बच्ची को अपनी माँ के साथ कुछ अनहोनी का अंदेशा हो गया था। बच्ची ने अपनी माँ को झकझोरा कि शायद वो उठ जाए। महिला बेसुध पड़ी रही। इसके थोड़ी देर बाद बच्ची की नजर कुछ दूरी पर खड़ी आरपीएफ की महिला कांस्टेबल पर पड़ी। उसने अपने नन्हे कदमों को आगे बढ़ाते हुए कांस्टेबल की उंगली को पकड़ लिया। ये देख आरपीएफ कर्मी हैरान रह गए। आरपीएफ ने जीआरपी की मदद से बेहोश महिला को उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर महिला का इलाज चल रहा है। 3/7/21 को रेलवे स्टेशन मुरादाबाद में जो बरेली साइड का एफओबी है, फुट ओवर ब्रिज कहते हैं, उसके ऊपर एक महिला बेहोशी की हालत में थी। जब वहाँ पे हमारे स्टाफ मूव कर रहे थे तो उन्हें एक बच्चा दिखा था जो कि लावारिस था। और उसके पास जब टीम हमारी गई और फिर वो बच्चा ऊपर की तरफ ले गया जहाँ उसकी मदर बेहोश पड़ी हुई थी, और अपने इशारों से, बच्चे की उम्र लगभग 2 साल के आसपास है, महिला के साथ 2 बच्चे थे, तुरंत ही वहाँ पे महिला के ऊपर जो प्राथमिक कार्रवाई होती है चिकित्सक रूप से वो की गई। उसके बाद तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया गया और महिला आरक्षी सरिता एवं रुक्मणी इन दोनों के द्वारा साथ में हॉस्पिटल तक ले जाया गया महिला को, और वहाँ पे डॉक्टरों के को सुपुर्द कर दिया गया है। वो महिला अभी हॉस्पिटल में एडमिटेड है। बता दें कि ये पूरा मामला रविवार सुबह करीब 8 बजे का है। महिला की उम्र करीब 30 साल होगी। उसकी शिनाख्त अभी नहीं हो सकी है। वहीं इस दौरान महिला का एक बैग भी खुला पड़ा था, जिसे देखकर आरपीएफ महिला कर्मियों के भी होश उड़ गए। हालांकि 2 साल की छोटी बच्ची की थोड़ी सी समझदारी की वजह से उसकी माँ और छोटे भाई की जान बच गई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Thank you.